संगठन ही जीतता है। आपकी वृक्ष मित्र मंच टीम को हम सम्मानित करें। ये देवताओं की नगरी है। नमस्कार जी, सबसे पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहें, कहीं ना कहीं आपने और आपकी पूरी टीम ने जो संघर्ष करके जो आज पूरे डिगल गांव और आसपास गांव में जो पेड़ लगाए हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आज के जो प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले बताइए, क्या प्रोग्राम? जब से हमारा ये ग्रुप अस्तित्व में आया है तभी से हम लगभग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो सा स्वतंत्रता दिवस होता है ना उसी उतने ही पेड़ ज़्यादा भी हो जाते हैं कम नहीं, हम हर साल इस उपलक्ष्य पर लगाते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि हमारा जन्म ही ऐसी देवनगरी में हुआ है। ये देवताओं की नगरी है और हमारे बड़े भाई धर्मवीर जी ये जो इस मुहिम को हमारा सहयोग और आगे बढ़कर चल रहे हैं और हमारे पूरे गांव का भी पूरा सहयोग है, हमारे युवा साथी है, किसी ने भी हमें डिमोरलाइज नहीं किया, सभी अच्छे हैं और कोई किसी के पास तो टाइम का अभाव है, कोई टाइम दे देता है, कोई अपने हार्डवर्क करता है, कोई भाई पैसे से भी डोनेशन देता है। बाकी हमने ये देखा है कि हमारे गांव में, हमारा गांव है लगभग, हमें नहीं लगता ऐसा कोई गांव होगा जो हर छोटे से बड़े भी हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। कोई किसी तरह सहयोग करता है, कोई पैसे का सहयोग करता है, कोई हार्डवर्क का सहयोग करता है, जैसे हमारे साथी लगे हुए हैं अभी। तो ये अब जो आप कह रहे थे कि भाई DFO या सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से भी जैसे अपने राकेश भाई हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, तो वो भी ज़्यादातर अपना भाई सहयोग लेते रहते हैं, सरकार भी सहयोग करती है और हमारे जो धर्मवीर बड़े भाई है इसके सानिध्य में और इसकी सलाह के अनुसार लगभग पूरी टीम इसकी जो भी एक कॉल होती है पूरी की पूरी टीम इसके कहने पर आ जाती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। SDM बेरी की तरफ से मैसेज आया था कि भाई आपकी वृक्ष मित्र मंच टीम को हम सम्मानित करेंगे। तो भाई 15 अगस्त का दिन है तो भाई यहाँ भी पेड़ लगाने जरूरी थे, भाई सुरेंद्र मास्टर मेरे साथ में खड़ा है MDU, स्वतंत्रता दिवस पर हम 78 पेड़ लगावांगे। 78 पेड़ लगाए, हाँ। अब ये जो आपके सामने है ये पूरी टीम जो लगा रही है और भाई हमारा तो लक्ष्य ही यो है डिगल को हरा भरा करना। एक हमने देखा कहीं ना कहीं जो पेड़ लगाने की सिर्फ मुहिम चलाई जाती है, इसे धरातल पर काम कोई नहीं करता और जो आपकी वृक्ष मित्र मंच की टीम ने कहीं ना कहीं वो कार्य करके दिखाया है कि जो धरातल पर कार्य करके ये सिद्ध कर दिया कि एक संगठन बहुत बड़ा हो तो सब कुछ कर सकता है। भाई संगठन की पहले भी मैंने कहा था धनराज, संगठन ही जीतता है कोई भी चीज़ है, अगर संगठन मजबूत है तो वो संगठन पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ऐसे तो भाई हरियाणा सरकार जैसे हर एक साल बजट बनता है इनका कि भी लाख ला दिए, दो ला दिए, इतने ला दिए, इतने ला दिए, पर धरातल पर जब देखा, हाँ हम धरातल पर तो सुनने के बराबर पाव है। हम तो जो भी पेड़ लगावांगे उसको बड़ा करांगे और हमने कर भी दिए। आपके वृक्ष मित्र मंच में कितने सदस्य हैं लगभग है जो? भाई सदस्य तो धनराज जुड़ाव तो 100-150 आदमियों का हो रहा है। हाँ, गांव के जितने भी युवा साथी हैं और गांव वाले हैं वे हमारे को सहयोग भी करते हैं और पेड़ों को देखते भी हैं, इससे हमारा जो जुनून है, जोश है वो और ज़्यादा बढ़ता है। अभी तक सरकार ने कहीं ना कहीं कि आप लोगों को अनदेखा किया था और अब कहीं ना कहीं जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो भी सामने आए हैं आप लोगों को सहयोग करने के लिए, क्या कहना चाहोगे महकमा के बारे में? भाई पीछे धनराज DFO साहब आए थे यहाँ, पीछे हमारा संगठन का उन्होंने काम देखा था और संगठन को उन्होंने ये कहा था भी वाक्य में आप लोगों ने धरातल पर काम किया है, तो हम इस चीज़ से बहुत खुश हुए और आगे भी वे कह रहे थे हम इस तरह के प्रोग्राम गांव में बनावांगे, आपकी टीम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है।